कि गणेश मास्टर जी ने कुछ शुरू किया है और कोशिश हमारी यही होनी चाहिए कि इसको और हम बड़ा करें ताकि हम हमारे सीनियर्स को जेन्युइनली संभाल सके। और ये सिर्फ डांस एसोसिएशन के बारे में नहीं है, बाकी सारे एसोसिएशन को एक होकर एक मिलकर इसे बड़ा कैसे किया जाए वो ही हमारी कोशिश रहेगी। और ये वादा है रोहित और मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से और मेरे काफी दोस्तों के पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं डेफिनेटली ये कह सकता हूँ कि ये बड़ा होगा और जैसे पहले का टाइम था जब हम साथ मिलके सब कुछ करते थे वही हम करेंगे। एंड 100% सपोर्ट मेरा है एंड आई थिंक कल से ही शुरू होनी चाहिए अगले साल की प्लानिंग या 6 महीने बाद की प्लानिंग। हम सिर्फ खेले नहीं लेकिन इस खेल से रेवेन्यू जमा करें और वो रेवेन्यू से बुजुर्गों का फायदा हो। थैंक यू फॉर कॉलिंग मी हियर, मेरे लिए एक बहुत बहुत बड़ी इज्जत है ये और खुश हूँ कि मैं यहाँ आया। थैंक यू वेरी मच। रोहित, हमेशा मास्टर जी मैं सालों से जानता हूँ, मतलब आई थिंक सारी फिल्में मेरी मास्टर जी ने की, उससे पहले से मैं जानता हूँ इन्हें और हमेशा मास्टर जी का ये इनिशिएटिव रहा ही है कि डांसर्स के लिए कुछ करे, जो हमारे सीनियर्स हैं उनके लिए कुछ करे। और जैसे अन्ना ने कहा कि ये शुरुआत है, इसे हम बहुत बड़ा बनाएंगे, जितना हो सके उसे बड़ा बनाएंगे, है ना, ताकि हम अपने सीनियर्स की हेल्प कर सकें। एंड मतलब इसकी शुरुआत आज से समझ लो करते हैं। तो तालियां बजाइए। जो भी हैं आप लोग हैं, मैं एक बात जरूर कहूंगी, इस बच्चे ने जो भी करना चाहा है, जो कर रहा है, जो करने वाला है, उसको सभी आप लोग साथ देना, क्यों उसमें आप सबकी भलाई है कि नहीं, है कि नहीं, बोलो। ये आदमी, ये लड़का अपनी जान पे खेल के तुम लोगों का साथ दे रहा है, अपने लिए नहीं कर रहा है, हम सबके लिए कर रहा है, क्या हाँ के नहीं। ले बोल दिया कि एक माँ जन्म देती है, एक माँ पालती है, तो हम लोगों के लिए इन्होंने बहुत अच्छा कर दिया। अभी हम तो हमारे माँ के बराबर ही हो गई है, इससे बड़ी और कोई बात नहीं। बाकी सब शिलाजी ने बोल दिया। Thank you.